राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का बड़ा खेल खेल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान में चल रहे इस तमाशे को बंद करवाने की अपील की। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, दुर्भाग्य से इस बार बीजेपी का प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का खेल बहुत बड़ा है। वह कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का प्रयोग यहां कर रही है। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। गहलोत ने कहा, हमें किसी की परवाह नहीं, हमें लोकतंत्र की परवाह है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी विचारधारा नीतियों एवं कार्यक्रमों की लड़ाई है। लड़ाई ये नहीं होती कि आप चुनी हुई सरकार को गिरा दें। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। उन्होंने कहा, मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार जनता ने मौका दिया, जो बड़ी बात है। उन्हें चाहिए कि राजस्थान में जो कुछ तमाशा हो रहा है उसे बंद करवाएं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सरकार के खिलाफ ट्वीट किए जाने के बारे में गहलोत ने कहा कि सिंह तो अपनी जेब मिटा रहे हैं, जबकि ऑडियो टेप मामले में उन्हें नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके नेतृत्व से नाराज होकर अलग होने वाले सचिन पायलट एवं 18 अन्य कांग्रेस विधायकों की वापसी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला पार्टी आलाकमान को करना है, और अगर आलाकमान उन्हें माफ करता है तो वे भी बागियों को गले लगा लेंगे। बता दें कि राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान में विधायकों को तोड़ने की आशंका के बीच कांग्रेस एवं उसके समर्थक विधायकों को हाल ही में राजधानी जयपुर से दूर सीमावर्ती शहर जैसलमेर स्थानांतरित कर दिया गया। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।